हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय नंबर 9 है, एक्सरसाइज नंबर 9 है। और हो सकता है कि आपकी पुस्तक में, आपके बुक्स में कुछ और अध्याय नंबर हो इसका, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज मैं इसको यहाँ पर कुछ टर्म्स, कुछ शब्द ऐसे जिसका मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ, उसके बाद हम इस पर हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा है, हमने लिखा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने बेसिकली यहाँ पर दो शब्दों का चयन करना है, एक है प्रयोग और एक है अनुप्रयोग। बच्चों पहले इन दो शब्दों का आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी जाके आप फ्यूचर में ये आगे भी क्या कर सकते हैं, सवालों को अच्छी तरह से समझ कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम शब्द सीखते हैं प्रयोग। अक्सर आपने अपनी दिनचर्या में सुना होगा कि हम अमुक चीज का प्रयोग करते हैं, हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग का अलग अलग मीनिंग होता है। किसी लैबोरेटरी में, एक प्रयोगशाला में जो प्रयोग करते हो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है, वो दूसरा प्रयोग होता है। हम फॉर एग्जाम्पल खाने में हम लोग नमक का उपयोग करते हैं, वो प्रयोग कहलाता है। यानी कि वहां पर जो उपयोग हमने शब्द किया है, वहां हम उसको प्रयोग शब्द भी यूज कर सकते हैं, या यूज ही वर्ड, इंग्लिश का यूज वर्ड जो है वो उसका मीनिंग प्रयोगी होता है। दूसरा हम लोग ये तो मैंने आपको प्रयोग के बारे में बताया। अब अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग को समझने से पहले आपको पहले प्रयोग की पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, पूरा उसका जो परिभाषा है, जो पूरी डेफिनेशन है, या उसका जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रयोग को हम लोग अलग अलग शब्दों में डिफाइन करें, कई बार हम उसको एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, कई बार नमक का डालना बोले, कहीं पर मैं धूम्रपान पर मैं सिगरेट का प्रयोग कर रहा हूँ, आपसे ये शब्द बोला जाता है, या मैं अल्कोहल का प्रयोग करता हूँ, या मैं गर्मियों में पसीने से बचने के लिए डीओ का प्रयोग करता हूँ। तो क्या होता है कि ये अलग अलग चीज़ों के प्रयोग हैं। लेकिन अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो अनुप्रयोग क्या होता है, प्रयोग और अनुप्रयोग में एक अंतर है कि प्रयोग एक पर्टिकुलर चीज पर होता है, पर्टिकुलर कोई विशेष कोई चीज आप कर रहे हैं उसको आप प्रयोग बोलते हैं, और अनुप्रयोग कहते हैं कि उन बहुत सारे प्रयोगों को हम जब करते हैं किसी एक नियम के आधार पर तो उसको अनुप्रयोग बोलते हैं। यानी कि अब जैसे मैं ये कदापि नहीं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो नमक का यूज़ कर रहा है, वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, वो सैंड का यूज़ कर रहा है, वो ड्यू का यूज़ कर रहा है, तो ये एक अनुप्रयोग है, नहीं, ये उस केस में अनुप्रयोग नहीं कहलाएगा। अनुप्रयोग सिर्फ एक नियम के अंतर्गत आएगा। अगर मैं ये कह दूँ कि वो जो डीओ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो डीओ है, तो उस डीओ का जो प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान सुनिए कि जो प्रयोग किया जा रहा है वो एक तो पसीने की जो स्मेल होती है उसको, ऑर्डर जो होती है उसको हटाने किया जा रहा है, दूसरा उसको हो सकता है कि कहीं पर फायर, आग लगाने की जो, तो उस पर आग भी लग जाती है, तो उस पर थोड़ा आग लगानी पड़ रही है किसी चीज़ को, कहीं पर कोई काम करने के लिए कोई चीज़ आग लगाने, कोई और साधन हो तो हमारे वो डीओ पे भी आग लग जाती है, या सिर्फ हमको क्या करना है, कमरे में महक लानी, वैसे तो रूम एयर फ्रेशनर होते हैं, पर चलो कहीं नहीं, हम उसको वहाँ पर प्रयोग करें। यानी कि एक चीज़ का ही हम जो कि अलग अलग तरह से क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये पूरी की पूरी घटना कहलाती है अनुप्रयोग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्रयोग क्या होता है, कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज का जो है, एक सिर्फ एक ही चीज का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं, तो उस पूरी घटना को हम कहते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति एक चीज मान लो फिलहाल के लिए, कि त्रिकोणमिति एक चीज है और इसका हम गणित में जो है अलग अलग चीजों को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग जगह में मापन करने के लिए, या किसी चीज को डिफाइन या डेरिवेशन या निकालने के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी घटना पर कहलाएगी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रयोग और अनुप्रयोग में आपको अंतर महसूस हो गया होगा। तो त्रिकोणमिति का हम अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में जब प्रयोग करेंगे तो वो पूरी की पूरी घटना आपकी कहलाएगी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये पहले दो शब्द थे। दूसरा शब्द आपने इसमें एक शब्द यूज करना है, उन्नयन कोण। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और दूसरा होता है अवनमन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण, इसको बोलते हैं
एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो टर्म्स आपके पास है, आपको इनको समझना जरूरी है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले आपने ये समझना है। बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इंसान ले लो या कोई भी चीज ले लो आप, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से माना इस ए पॉइंट पर कहीं पर खड़ा है, कोई ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर खड़ा है और ये कहीं ऊपर हवा में या किसी मीनार में या कहीं भी ऊपर की तरफ किसी बी ऑब्जेक्ट को जो देखता है, माना कोई फ्लैग है यहाँ पर किसी बी ऑब्जेक्ट को देखता है नीचे से, ठीक है ये देखता है, तो क्षैतिज के साथ उसकी जो ये आंखें हैं यानी कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो बी ऑब्जेक्ट के में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और वो क्षैतिज के साथ जो कोण बना, ये क्षैतिज है ना, क्षैतिज समझ रहा, क्षैतिज बोलते हैं बिल्कुल हवा में या कहीं भी सीधी रेखा, चाहे जमीन में हो चाहे हवा में सीधी रेखा को बोलते हैं, मतलब पड़ी हुई रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और हवा में जो खड़ी रेखा होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। तो जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ देखता है तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु है जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, उसको कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मीनिंग होता है उठना, एलिवेटर का नाम सुना था आपने, तो एलिवेशन मीनिंग होता है उठना यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा कोई ढंग से, जब ऊपर की तरफ कोई देखता है तो ये आंखें जो क्षैतिज के साथ जो कोण आती है वो कहलाएगा आपका उन्नयन कोण, और यही आंखें अगर नीचे की तरफ यूं देखे इस तरफ, ठीक है, तो ये क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनाएगी उस कोण को बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। तो ये दो टर्म्स आपने याद रखने हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। सिंपल भाषा में उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला कोण कहलाता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला कोण कहलाता है, बस ये दो टर्म याद रखना आपने, एक ये हो गया और एक प्रयोग अनुप्रयोग और एक ये उन्नयन और अवनमन कोण, यानी इसकी वजह ज्यादा जरूरत थी नहीं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि फ्यूचर में कोई कोई आपसे पूछे, आपका कोई छोटा आपका कोई जूनियर हो या कोई आपका छोटा भाई बहन हो पूछे तो आप बता सके कि प्रयोग अनुप्रयोग में क्या अंतर होता है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये दो मेन चीज़ जानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। एक और बात, ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल जो होते हैं ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल जो है कोण ए है ये कोण बी के, यानी कि इस अवस्था में कोण ए बराबर कोण बी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एक एक तरफ बने हुए कोण है ना, एक इस तरह बना एक इस तरह बना हुआ है, ठीक है, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये इस तरह से ही दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो याद रखेगा जब कभी आप सवाल सॉल्व करोगे तो इस तरह से कोई कोण की स्थिति आती है तो इन दोनों कोणों को आपस में आप बराबर लिख सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए अब है ना कि एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, तो इस एप्लीकेशन समझने के लिए हम एक छोटा सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सवाल करूंगा अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस छोटे सवाल को हम उस छोटे से सवाल में हम लोग अवनमन और उन्नयन कोण को परिभाषित करते हैं और इनकी मदद से किसी बिल्डिंग की लंबाई या नीचे की दूरी या यहां से दूरी आदि जो भी होती है इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं एक छोटे सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपके सामने सवाल, बहुत छोटा सवाल है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी कि सीधी ऊपर खड़ी है, जैसे मीनार खड़ी होती है धरती के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि फूट पॉइंट से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो धरती पर एक मीनार खड़ी है, बिल्कुल खड़ी ने ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनिंग होता है धरती आप ये हुई, ठीक है। इस पर एक मीनार, चलो मान लेते हम ए बी मान लेते हैं, एक मीनार ए बी सीधे खड़ी है, ठीक है, खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु ये फूट पॉइंट हो गया, तो यहां से कितना दूर है, माना ये 15 मीटर है, उसने लिखा कि 15 मीटर, माना ये सी पॉइंट जो कि 15 मीटर दूर है, उस सी पॉइंट से
मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि यहाँ से कोई बंदा देख रहा है और यहाँ की तरफ देख रहा है, तो वो सीधे सीधे वो एंगल कितना का बन गया, 60 अंश का बन गया। उन्नयन कोण है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना। तो मीनार की ऊंचाई क्या आती है, तो मीनार की ऊंचाई ये है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, तो हमें इस एक्स का मान निकालना है। तो सिंपल से बात है कि चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में माना मीनार की ऊंचाई एक्स मीटर है, एक्स मीटर है, ठीक है, ये हमने मान लिया पर एक्स मीटर है ये। और बीसी, बीसी आपके पास है 15 मीटर। ध्यान रखिए कि जो मात्रक होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी एक ही होना चाहिए। पता चले यहाँ पर हो, कई बार क्या, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर मीटर दे रखा है, तो आपको जो है एक एक ही मात्रा में उसको कन्वर्ट करना है। बीसी आपका 15 मीटर है, ये आपका ए बी था, हमने यहाँ पर लिखा नहीं, एक्स जो है ए बी है, ठीक है। तो और कोण सी कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया। तो सिंपल सी बात है, आपको देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है कि भाई कोई भी मीनार जमीन के साथ जो 90 अंश कोण आती है, ठीक है। तो देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि लंब बटे आधार या आधार बटे लंब एक ही बात है। आधार बटे लंब बोलो या लंब बटे आधार बोलो, कुछ भी ले सकते हो। अगर लंब बटे आधार लोगे तो टेन 60 हो जाएगा, आधार बटे लंब बोलोगे तो कॉट 60 हो गया, एक ही बात है। तो यहां पर सिंपल सी बात हो गई, इसलिए चित्र से अब हो जाएगा 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार इसलिए क्योंकि हम लंब और आधार ही दे रखा है, और कर्ण दिया तो फिर लंब बटे कर्ण हम करते हैं, फिर साइन करवाया था, ठीक है। और लंब यहाँ पर एक्स मीटर है, आधार आपका 15 मीटर है, तो यानी कि अब ये 10 60 है, 10 60 का मान आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, 10 60 में √3 होता है, और ये एक्स बटे 15, तो यानी कि सिंपल सी बात है, हम एक्स का मान निकालें तो 15 गुणा 3, ये एक्स जो है, ये आपकी एक्स जो है आपको क्या था, मीनार की ऊंचाई थी, तो ये मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर निकल गई। आगे के क्लासेस में, ये आगे के चैप्टर में आपके पास √3 का मान दिया होगा, तो उसको आप 15 से गुणा कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। पर एनीवे छोटा सा हो तो आपको यहाँ पर √3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया 15 √3 इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की आपकी हाइट हो गई। तो इसमें ये देखो यही इसका अनुप्रयोग है, ये यहाँ पर एक, हाँ हालांकि देखो ये एक, ये तो एक प्रयोग था क्योंकि एक ही सवाल तो प्रयोग था, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुप्रयोग शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये एक ही सवाल नहीं होगा, 50 सैकड़ों साल होंगे त्रिकोणमिति में, तो इसलिए अनुप्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज के इस वीडियो इतना ही, कुछ टर्म्स आपको मैंने सिखाए और एक छोटा सवाल आपको बताया, तो सिंपल था ही तो शायद आप कर ही लोगे, लेकिन आगे की चैप्टर्स में या आगे की एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और इसको बार बार देख लीजिए, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा जो वीडियो के अंत में हमेशा दिया जाता है, ठीक है। और प्लीज़ जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लें, और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन सामने दिखता है उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँचते रहे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए, जल्दी आऊँगा एक नए क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद।